पहले लाइट तो जला दो मम्मी, लाइट तो जला बेटा। जय रियल अंकल, मेरी तरफ देखे जय रियल। बारिश वो दुआ में रहना करे, राबी साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे। यकीनन खुदा के कलाम ये लिखा था, दो जब मेरे नाम से इकट्ठे हुए मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, और जब हम उसके नाम से इकट्ठे हैं तो वो यहाँ पर मौजूद है। जब वो यहाँ पर आया हुआ है और उसका तख्त अब वो अपना लगाने को है, तो हमें चाहिए कि हम बड़े बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को जाने के वाकई खुदा उनसे यहाँ पर मौजूद है और हम उसके ताबे हो सकें, उसके शर्मा हो सकें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी साइज, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और साइज और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदा हम तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा, इस मौका के लिए, इस मुकद्दस और सुहाने मौका के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा। जाजियल की बर्थडे के लिए खुदा पाक खुदा, तूने उसकी ज़िंदगी में एक और नया साल बख्शा है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, जब वो अब नए साल में कदम रखा है तो यीशु फजल देखकर तेरी गवाही का सबब हुआ खुदा, इसकी उम्र जमीन पर दराज हो खुदा पाक खुदा। हर तरह से खुदा पाक खुदा हमारी इबादत को बाईस से बरकत और बाईस से खुशी बनाए खुदा, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। Thank you.
वेलकम करेंगे यहाँ पर। हालेलुया। वो यहाँ पर मौजूद है, यकीनन जब हमने उसको पुकारा है तो वो यहाँ पर उसका तत्व यहाँ पर लगा हुआ है। खुदावन की तारीफ में गीत गाते हैं, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। ग्लोरिया मोबाइल में ले भाई, बातें सब चलो।
में डांस करना है आके भागो। नहीं कलर वाली वो गंदी हो गई है। नहीं तो पादे साहब जी वो मेनू कोई जाने या ना जाने। अच्छा चले ठीक है मेनू कोई जाने या ना इसमें होगा नहीं आना मेनू कोई जाने या ना जाने मेनू कोई जाने या ना जाने तेरा नाम मिले जलाली यसू मैं तो कुछ हाँ मेरा नहीं तेरा तेरी बातें
पिछले साल भी जब दूसरा बर्थडे था तो मुझे ये शरफ मिला जैजरियल के बर्थडे पर, लेकिन उस बर्थडे पर जैजरियल ने इतना डांस नहीं किया था जितना आज किया है। मेरी दुआ है कि जैजरियल इसी तरह खुदावन की हजूरी में बढ़ता जाए और इसी तरह दाऊद की तरह वो उसके हजूर में वर्शिप बनकर आगे बढ़े। मैं चाहूंगा आपकी पूरी फैमिली मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दे, लेकिन आप बैठ के जरा सुने मेरे। मैंने अपनी 20 साल की खिदमत में ऐसी टैलेंटेड फैमिली ने देखी। ये काहिनों का भी घराना है और लावियों का भी घराना है। पादरी साहब काहिन भी हैं और उनके बच्चे तो छोड़ देना, सारे कुछ लावी हैं, वर्शिपर हैं। भाई ने कितने खूबसूरत वर्शिप की और उनकी मिसेज कितनी खूबसूरत टैम्बरिन बजा रही थी और मारिया की जो खिदमत है वे टू द हेवन। मैं मुझे फख्र है कि मैं इस फैमिली के साथ एक मेरा रूहानी रिश्ता है और मैं
इसके लिए अपने खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। पाद साहब की सारी खिदमत कराची में जिन्होंने की और जो कर रहे हैं, और कितना खूबसूरत मैनुअल तबला जा रहा था। पाद साहब जी, ये इन्ने बच्चे कितने इन्ने टैलेंटेड की करता है, तुझे मेरे को सादा जाइए, इतने खूबसूरत टैलेंटेड बच्चे। तो खुदावंद आपको खुदावंद का फजल बड़ी बरकत दे, और मुझे फख्र है आप सब पर। मैं इससे पहले खुदा के कलाम की तरफ बढ़ूं, ऑल नेशन बाइबल चर्च मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप मेरी फैमिली का, रूहानी फैमिली का हिस्सा हैं। अभी खुदा का शुक्र हो, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जो है वो रियायत की है। अगर चर्च में 100 कुर्सियां हैं तो 30% लोग आ सकते हैं, इसका मतलब 30 पीपल कैन बाय लॉ कैन सिट इन चर्च अगर 100 कुर्सियों की कैपेसिटी है। सो मैं आपको वेलकम करता हूं, अगले संडे आए, आपका अपना चर्च है। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होती है जब आप लोग आते हैं, तो यकीन मुझे बड़ी खुशी होती है। आई ऑलवेज डिलाइटेड। मैं आज खुदावंद के पाक कलाम से पहला सैमुअल और उसका 3 बाब, और मैं इस बात के लिए भी बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मारिया हमसे बहुत मोहब्बत करती है। वीक के दौरान उसने कॉल किया, बाजी को कॉल किया, तो ये सारी आपकी मोहब्बत है, और हम यकीनन आपसे भी इसी तरह मोहब्बत करते हैं, और शुक्रिया आपने हमें इतना प्यार मोहब्बत और मान देते हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। सैमुअल, यानी आज से मैं कहूंगा 3000 साल पहले, ये सच्चा वाक्या है, दिस इज अ रियल स्टोरी जो लिखी है। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, जो लोग खिदमत ताबेदारी करना सीखते हैं, तो तारीख हमें बताती है कि जब माँ ने अपना दूध छुड़ाया 9 महीने बाद, और तकरीबन साल के बाद वो सैमुअल को वहां छोड़ाई, और उस साल के बाद उसे मिलने जाती थी, तो बिल्कुल छोटा ही था। आप ऐसे समझ लें एग्जैक्टली ये जैसे जैजरियल की उम्र का था, तो वो खुदावंद के हजूर में खिदमत करता था, हैकल में खिदमत करता था। उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बर्मला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी। ये उम्र का भी तकाजा था, लेकिन रूहानी तौर पर भी एलाई साहब कोई इंट्यून नहीं थे खुदा के साथ, कोई बिल्कुल रब्ता टूटा हुआ था, और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। खुदा का शुक्र हो, जब खुदा ऊपर से देखता है तो इस घर पर, मुझे नहीं पता इनके मालकों का, लेकिन आपकी वजह से यहां पर रोशनी है, खुदा को रोशनी नजर आती है। राय खुदा दुनिया का हिसाब करे, तो जब यहां से मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो उसे भरेगा लहू नजर आएगा। ये आपकी वजह से, आप जिस घर में रह रहे हैं आप वहां का चिराग हैं। अगर दुनिया बची हुई है तो आप लोगों की वजह से, खुदा इस दुनिया को नहीं जज कर रहा कि और लोग बच जाए। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, आप उसका चिराग हैं, और बरे के लहू की वजह से जो आपकी जिंदगियों पर है, इस दुनिया में नूर है। आप खुदा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसका नूर हैं। आगे लिखा है, सैमुअल खुदावन की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। मेरी दुआ है आपके बेटे और बेटियां, खुदा का संदूक जो है ये खुदा की हजूरी, मैनिफेस्ट प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज हमारे बच्चे इस सोसाइटी से, हम चाहते हैं कि बच जाएं, और उसका यही बेहतरीन हल है कि वो खुदा की हजूरी में बढ़े, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जितने मर्जी जनाब ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, अगर हमारे बच्चे खुदा में बढ़ेंगे, तो जब वो खुदा की हजूरी में, लिखा है वो खुदा के संदूक यानी कि मैनिफेस्ट प्रेजेंस थी, उसको तो कोई टच भी नहीं करता वहां। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग है, हमारे बेटे और बेटियां खुदा की हजूरी में बढ़े। खुदा का शुक्र हो, आप मां बाप के लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं,
और सैमुअल की खुश नसीबी थी कि वो खुदा की हजूरी में, लेकिन घर का माहौल बहुत खराब था। एली के बेचे बेटे मकार थे, जो दुनिया की बुराई आप समझ लें, जो काहिन जो पादरी साहब था जो हेड पास्टर था उसके बच्चे खराब थे, लेकिन सैमुअल खुदा की हजूरी में, जो खुदा का अहद का संदूक हजूरी में था, हजूरी में आगे बढ़ा। आपके बच्चे अगर आप चाहते हैं खुदा के साथ जुड़े रहें तो आप उन्हें खुदा की हजूरी में रखें। आप माँ बाप बैठ के दुआ करें और खुदा के हजूर में कि वो उसी हजूरी और मसा में आगे बढ़े। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, आप तारीख पढ़ लें, ज्यादा दो और हो सकते तीन साल, दो या तीन साल का था। तो खुदावन ने, ये उम्र बड़ी प्यारी है, ये उम्र बहुत प्यारी है, मुझे तो बड़ी फिक्र लग जाती है। और जब दुआ की बारी आती है कहते यार इन्होंने कोई ना सेलफोन फड़ा देता कि गेम खेल लें। ये दो साल का था, मां बाप ने ट्रेन किया है कि तुमने खुदा की वहां आवाज सुनी है और जो पादरी साहब कहे उनकी बात सुनी है, और वो सुन रहा था। आजकल हमारे बच्चों को क्या हो गया है, हम उनको चुप कराने के लिए या तो सेलफोन पकड़ा देते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन यहां पर अब देखिए खुदा ये नहीं कह रहा कि यार जरा बड़े हो लें फिर गल करांगा। खुदा छोटे बच्चों से, दो साल का बच्चा है, खुदा को नहीं पता यार खुदा आवाज दे रहा है। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, और वह दौड़कर, अब देखिए आप जरा खुदा कभी भी तारीख में देख लें, आप पढ़ के ये वाक्य पता कब का है, सुबह 4 बजे का वाक्य है, कभी भी 4-3 का रिसर्च करके देख लें आप जरा, रात को जरा ट्राई कर लेना, आज रात को जैज मैं आई एम नॉट पिकिंग ऑन ऑफ योर सन, जरा रात को 3 बजे से ट्राई कर अपने आवाज देखी। यहां पर सैमुअल को आवाज दी है, उसने खड़ा होकर कहा मैं हाजिर हूं, और फिर लिखा दौड़ कर गया। आप जरा कोशिश करना यहां सो जाना और कमरे से आवाज देना, देखना कि दौड़कर आता है। मैं सिर्फ आपके बच्चे की नहीं, पहली गल तो सुन दे नहीं बच्चे आवाज, अजकल के बच्चे ये सुन भी नहीं, तो अगर आप दिमाग नहीं खराब होगी कि मसला रात आवाजा मार दिया। लेकिन कैसी ताबियत आ रही है, ये पढ़ के देख लें, रात को दौड़कर जा रहा है। आप जरा बच्चों को बुला के दिखाएंगे भी दौड़ कर आएंगे, अल्लाह तुझे कोई चॉकलेट फड़े हुए, क्या बात है, मोबाइल पकड़ा जी, क्या बात है, सैमुअल दौड़कर जा रहा है, दौड़कर रात थी। I'm amazed, मेरी दुआ है काश हमारे बच्चे सैमुअल की तरह दें, कितने कहेंगे हालेलुया, काश हमारे बच्चे ताबेदार सैमुअल की तरह दें, आवाज दें तो दौड़ कर जाएं। लिखा है कि खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। मैंने एक दो दफा यहां कैनेडा में किसी बाप ने बच्चे को कहा कि यार पानी देना, कहते डैड आई एम बिजी, तो क्या गेम खेल रहा था, खुद पानी ले लो, व्हाई कांट यू पिक अप। लेकिन सैमुअल ने क्वेश्चन नहीं किया, ये होती है ताबेदारी, सैमुअल ने कहा मैं हाजिर हूं, व्हाट अ ओबीडियंस, सैमुअल ने कहा मैं हाजिर हूं, और वो दौड़ कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। वाह, 3 साल की उम्र में ऐसी ताबेदारी, उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा, और वो जाकर लेट गया। फिर आवाज आई, खुदावन ने फिर पुकारा सैमुअल, सैमुअल उठकर एली के पास आया और कहा तूने मुझे पुकारा है सो मैं हाजिर हूं। कोई ट्यून नहीं बदली, I mean, if he didn't say, what's wrong with you, man? You keep calling me. You're bothering me. You screwed up my sleep. उसने कहा मैं हाजिर हूं, काश मेरी दुआ है आपके बच्चे जो और मेरी आवाज सुन रहे हैं सैमुअल की तरह ताबेदार हो जाएं। ये भी दूसरी दफा है। फिर उसने कहा, फिर ये फिर खुदा ने पुकारा सैमुअल उठकर एली के पास गया और उसने कहा ये तीसरी बार है सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा ए मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा
ये देखें जब खुदा के साथ खादम ट्यून नहीं ना होता, चल नहीं रहा, उसे पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। एली साहब भी मत मारी, पता ही नहीं चल रहा कि यार पता नहीं खुदा तो नहीं बुला रहे। तीसरी मरतबा फिर जाकर एली को पता चला है कि खुदा सैमुएल को बुला रहा है। उसने कहा मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूस खुदावंत को नहीं पहचाना था। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, आप क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए हैं, आपके बच्चे, लेकिन ये जेन में रख लें जिंदगी उसी वक्त बदलेंगी जिस दिन उनकी जिंदगी में पुकार होगी और उनका खुद खुदावंत के साथ रहता होगा। एक वक्त आता है जिंदगी में खुदा खुद उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। हालेलुया। कितने कह सकते हैं अगर वो सैमुएल को बुला रहा था तो आपके बच्चों को भी जिंदगी में यही प्लान रखता है। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं है, खुदा आपके बच्चों को भी बुलाएगा, उनकी जिंदगी के लिए भी अच्छे मंसूबे खुदा रखता है। खुदा कल आज और हमेशा यकसा है। हालेलुया। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया। तीनों मरतबा बड़ा ताबेदारी। तीसरी मरतबा कह सकता था भी भाई मैं नहीं आना, जेडी गल सवेरे हो जाएगी, कह सकते भी सवेरे गल करांगे, हुण बस एक दो बारी बड़ा हुंदा है, बस आई डोंट केयर। लेकिन बरकत भी दूसरी ने पाई है ना, लिखा है कि दानियों के मुंह से जो भी बात निकली खुदा ने उसको ऑनर किया। ताबेदारी थी जिंदगी में। सैमुएल ने जो भी दुआ किया आज तक खुदा एक दफा झिड़का था, जब उसने कहा कि नहीं वो कद वाला बंदा ढूंढना है, तो खुदा ने कहा नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर हाइट एंड ये। उसने कहा मैं दाऊद को मैंने चुन लिया है, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। जी आगे है, सैमुएल जान गया कि खुदावन ने उस लड़का को पुकारा है। उसने इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट जा और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावन फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा का शुक्र हो, मेरा खुदा सुनता भी है, बोलता भी है और दुआओं का जवाब भी देता है। हालेलुया। मैं एक मर्तबा याद है मुझे शहजाद सिंधु की दुकान के साथ एक दुकान है प्रजापति के, वहां मूर्तियां बिकती हैं और मैं उसके अंदर गया तो एक मूर्ति देखी तो उसके नीचे लिखा था मेड इन चाइना। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरा खुदा इज नॉट मेड इन चाइना। हालेलुया। मेरा खुदा जो है ही इज अ मेकर ऑफ चाइना, वो उसने चाइना को बनाया है। तो ये क्या कितने अफसोस की बात है कि इंसान के हाथों की बनी हुई चीजें लोग पूछते हैं, लेकिन मेरा खुदा इज अ पर्सनल गॉड। सुबह सुबह जाकर मिलता था एडम से और इसी तरह सैमुएल को सुबह सुबह खुदावन ने पुकारा और फिर लिखा है तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह आ खड़ा हुआ। हालेलुया। और पहले की तरह सैमुएल को पुकारा, सैमुएल ने कहा फरमा क्योंकि तेरा बंदा। अब सैमुएल दौड़कर एली के पास नहीं गया, अब वहां बैठा है अपनी जगह पर और खुदा उससे बातें कर रहा है। खुदा का शुक्र हो, हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ज़बूर में इस लिखता है मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा यकूब का खुदा है। आप में से कितने मुबारक यहां बैठे हैं। हालेलुया। आप लोग मुझे कहते जी भाई जी तुम बड़े लकी हो, आप लकी नहीं आप मुबारक हैं। हालेलुया। लकी तो ना ये लग गई तो लग गई, आपके लिए तो डन डील है, आप लोग मुबारक लोग हैं। हालेलुया। आप मुबारक लोग हैं जिनका खुदा यकूब का खुदा है। और फिर लिखा है सैमुएल ने कहा फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैमुएल से कहा देख मैं इसराइल का मैं ऐसा काम करने वाला हूं। फिर आगे खुदा ने उस पर उसके साथ बात करना शुरू कर दी। मेरी आज ये दुआ है कि आप के बच्चों की जिंदगी में खुदा ताबेदारी का रूप पैदा करे और बच्चों के साथ एक हार्ड वर्क है। खुदा ने आपको नेमत दी है, गिफ्ट दिए हैं, आप इस गिफ्ट की जो है परवरिश करें। एक दिन आपने खुदा के तख्त के सामने खड़े होना है और उसने आपसे जवाब लेना है कि जो मैंने बरकत दी थी उसका आपने क्या किया है। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर नॉट इन एक्सीडेंट। खुदा ने आपको बरकत दी है, नेमत दी है, उसको आपने जो है परवान चढ़ाना है। हालेलुया।
उनकी रूहानी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम एक बार फिर जैजरियल के लिए दुआ करेंगे। जैजरियल हालेलुया, चलो उधर ही पहुंचाए, आ जाओ जैजरियल भाई दुआ करेंगे। चलो टीवी देखना। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम जैजरियल के लिए एक बार फिर तेरी बरकत, दैनिका के लिए, भाई जो वर्शिप कर रहे थे उनके बेटे के लिए, पूरे खानदान के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन सबको बड़ी बरकत देना। खुदावन आज जो हमने कलाम पढ़ा ये हमारी जिंदगियों में पूरा हो, इस घर में इन बच्चों की जिंदगियों पर पूरा, सबको बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के पाप और पवित्र नाम में सब खुदा के लोग कहे आमीन। ते उस तो बरकता सब लोग पाए, ते उस तो बरकता सब लोग पाए, ते गामायो दिया धन बारगावे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम आराधना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की याद करते, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश मत होने दे बल्कि बरकत से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे रही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हम सबों के साथ हो। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, मैं आज हमारी बहुत प्यारी बेटी मारिया नासर, जिनकी बहुत खूबसूरत खिदमत है द वे ऑफ हेवन, मैं इसके लिए खुदा उनके शुक्र अदा करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूजा पाकिस्तान का पूछते जी आप मारिया को जानते हैं, मैं कह जी मारिया मेरी बेटी है। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।